सो व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो वन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंजिन। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको पता ही हो गया होगा क्योंकि आपने थंबनेल में देख चुका होगा उसमें केस के बारे में बात करने। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में कुछ बारे में इसके कि आपको ये फ़ोन के बारे में मैं कुछ बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये इनफोकस विजन 3 ये 2017 दिसंबर के बीच में काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है इसका टॉपिक। तो और बेसिकली ये फ़ोन लड़का लोग के लिए ठीक नहीं है जो ज़्यादा गेमिंग का शौक़ रखते हैं, मोबाइल गेमिंग जो करते हैं उन लोगों जो शौक़ रखते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये फ़ोन लड़की लोग के लिए ठीक है जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या फोटोग्राफी, उनके लिए ठीक है। और ये मीडिया टेक का प्रोसेसर है MT6757, ये ऐसे कुछ है इसका प्रोसेसर, तो काफ़ी बकवास प्रोसेसर है। आप कुछ भी ठीक गेम खेल ही नहीं सकते, आप यहाँ में ना फायर फ्लाई खेल सकते हो, ना फ्री फायर खेल सकते हो, ना पबजी खेल सकते हो। ये काफ़ी लैग होता है और काफ़ी हीट अप भी होता है। इसका बैटरी बैकअप ठीक रहता है, कैमरा भी डिसेंट है। अब मैं इसे 3 स्टार दूंगा कैमरा के लिए। तो चलिए बात करते हैं आप इसके स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ दिन पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा था, मैंने अपलोड किया था यूट्यूब में, मैं चैनल में अपलोड किया हुआ था कि स्क्रीन उसका पूरा टूट गया था। तो मैंने फिर इसे काफ़ी ऑनलाइन में सर्च करने के बाद मुझे LCD बाबा का वहाँ पर मिल गया था इसे। तो उसका कॉस्ट था तकरीबन 2990 और इसको ठीक कराने में लोकल केयर में जाकर ठीक कराने में उसका 400 लगभग 400 चला गया। तो ऑलमोस्ट उसका कॉस्ट हुआ 3400 और उसका फिनिशिंग भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। यहाँ पर लोकल वाला लोग इतना उसमें परफेक्ट नहीं रहता है तो फिनिशिंग इतना ठीक से नहीं हो रहा, और इसका अंदर में बेजल भी बहुत काफ़ी पतला रहता है तो उन लोग ग्लू भी इसमें ठीक से नहीं कर पाता है, ग्लू नहीं चिपक पाता है। जिस तरह से आपको कंपनी से आप जिस तरह फासन करते हो को मिलता है वो एक्सपीरियंस आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और हाँ दोस्तों, इसका अब दूसरे बार आप इसको चेंज करते वक्त को तो उसका टच एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बकवास हो जाता है। उसके बाद आप ठीक से ना कुछ आप टाइप भी ठीक से स्पीड में नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास भी ये हो जाता है, आपका भी स्क्रीन कभी गलती से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है या कभी हो जाता है, तो आप सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, इनफोकस केयर में जाइए। आप अगर वहाँ नहीं बन पाता है तभी आप ऑनलाइन का ऑप्शन लीजिए। सबसे पहले आप उसमें भी ईबी में चले जाइए, ईबी में भी मिल जाता है आपको 2990 में मिल जाएगा और LCD बाबा में भी 2990 कुछ में मिल जाता है। तो सबसे पहले आप ईबी से कांटेक्ट कीजिए, अगर ईबी में नहीं मिल पाता है तब आप LCD बाबा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और हाँ, मैं दोस्तों मैं एक वीडियो बना के रखा हुआ है ये ऑनर 9 लाइट के ऊपर में, उसका गेमिंग रिव्यू उसका किस तरह का होता है और कितना हीट अप होता है, तो मैं कल उसे मैं अपलोड कर दूँगा। तो इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।